Matthew. I don't know the Sumbrio. I don't know this. Please take your seat. Remove these people from the house. Don't allow anybody to enter the bell. Remove them. और इसका अगला पहलू ये था कि हिंदुस्तान और मुसलमान
फैसला करेगी कि हमारे हिंदुस्तान के साथ क्या रिश्ते होंगे। और इसी वजह से 370 को हिंदुस्तान के आईन में रखा गया, इसी वजह से हिंदुस्तान की उस वक्त की कांग्रेस असेंबली ने हमारी कांग्रेस असेंबली को एक चुनौती फराहम की कि आगे चल के आप जो फैसला करेंगे उसी की बुनियाद पर आपका और हमारा ताल्लुक, उसको कोई सियासी जोहर मिलेगा।
आगे की जी मैं बताइए आज का प्रदर्शन किया जा रहा है किस मकसद से किया जा रहा है जिस तरह आप सब गगन पिछड़ के गगन को बिचारा प्रेम जैसे ये दौरा 370 का बिल लेके आए हैं मैं इनसे पूछना चाहती हूँ अगर पार्लियामेंट ने ये बिल पास कर दिया है अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस पे मोहर लगा दी है क्या जम्मू कश्मीर की असेंबली इन सबसे ऊपर है क्या जैसे कल आपने देखा नरेंद्र भाई मोदी जी ने साफ तौर पे कह दिया है कि ये जो दौरा 370 कब्र में चली गई है अब ये वापस नहीं आ सकती है ये जो पॉलिटिकल स्टंट कर रहे हैं मैं कहती हूँ कि जैसे 10 साल के बाद ये असेंबली लगी है आप युवाओं की बात करते आप रोजगार की बात करते आप डेवलपमेंट की बात करते आपने जाते ही दौरा 370 का वो कर दिया और जिस तरह से आपने कल देखा है कि एक स्पीकर का क्या रोल है स्पीकर तो एक वो है कि एनसी का एक नेता का रोल आप वो कर रहे अदा कर रहे हैं जैसे उन्होंने मार्शल का रूप वो करके वो हमारे जो विधायक हैं उनको बाहर उठा के वो फेंका है मैं उनको कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के 28 शेर असेंबली में बैठे हैं वो एक जम्मू कश्मीर के पहरेदार हैं और बाहर भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता जम्मू कश्मीर की पहरेदारी कर रहा है ये भूल जाए तो ये है ना कि 371 जिस तरह से हिमाचल को मिला या अन्य राज्यों को मिला वो बिजली देने का वादा किया गया था वो सारे वादे कहाँ हैं हमारी असेंबली मुश्किल से शुरू हुई है गवर्नमेंट मुश्किल से 10 साल के बाद बनी है तो आपको 370 याद आ रहे हैं 370 आपको क्या कर देगा क्या आप बहनों के हक नहीं लेना चाहते क्या आप डेवलपमेंट नहीं चाहते क्या हमारे देश में हमारे जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट नहीं होनी चाहिए क्या हमारी बहनों का हक नहीं वापस मिलना चाहिए ये देखिए आपको सीधी तस्वीरें बिल्कुल ऑफिस महिला मोर्चा के पास हम यहाँ पर लेके जाएंगे देखिए किस तरह से यहाँ पर जो प्रदर्शन किया ये मैं बताया जो प्रदर्शन आज किया जा रहा है क्या मकसद क्या है प्रदर्शन हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो असेंबली 370 का रेजोल्यूशन पास किया गया जो हम लोग उसके बहुत खिलाफ ये चीज़ें कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि वहाँ की जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है जम्मू की जनता तो समझ गई है कि ये लोग हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि जम्मू कश्मीर जब से 370 हटा है जम्मू कश्मीर में जो शांति है जो डेवलपमेंट हो रही है और आपने खुद देखा होगा पिछले साल जो टूरिज्म में रिकॉर्ड हुआ था वो आज तक कभी भी पॉसिबल नहीं था वो क्यों हुआ क्योंकि 370 हटा हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी का एक ही सपना है कि जम्मू कश्मीर को नंबर वन स्टेट बनाना है और वो बनके रहेगा चाहे ये जो मर्जी हथकंडा अपनाए और ये कभी पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि 370 वापस लाना 5 अगस्त 2019 हिस्ट्री में एक लिखा गया है उसको कभी भी कोई चेंज नहीं किया और 370 5 35A इतिहास बन चुका है लोग उसको हिस्ट्री में ही पढ़ेंगे और उसको हटाया किसने हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने और अमित शाह ने वो देखेंगे किताबों में ही अब वो पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर को डेवलपमेंट चाहिए और वो हमें